हेलो दोस्तों, तो आखिरकार सीबीएसई ने आपको सिलेबस बता दिया है कि आपका नवंबर दिसंबर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या आपका सिलेबस आने वाला है अकाउंटेंसी में। क्लियर है, हम लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, बट सबसे पहले अकाउंट्स को उठा लेते हैं जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। देखो क्या बोला उन्होंने, 90 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है। क्लियर है, और ये जो है ना आपका कितने मार्क्स का होने वाला है, यहाँ पे देखो 18 यहाँ पे लिखे हुए हैं, 12 यहाँ पे लिखा हुआ है और 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 40 मार्क्स का आपका पेपर है। कितने का है? 40 नंबर का आपका पेपर होगा। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। देखो तीन बुकें आपके पास अकाउंट्स में है 12th क्लास में, सबसे पहले पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जिसमें पहले पार्टनरशिप से रिलेटेड थी और उसमें एनपीओ का चैप्टर इन्होंने जोड़ा हुआ था। ठीक है, अगर टीएस ग्रे वाला अगर आप यूज कर रहे हो तो। पार्ट बी अगर देखा तो कंपनी से रिलेटेड था, और पार्ट सी आपका फाइनेंशियल यानी आपका रेशियो, कैश फ्लो टाइप की चीजें आपको यहां देखने को मिल रही थी। क्लियर, जो आपका आ रहा है वो इस बार आ रहा है सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी फंडामेंटल ये चैप्टर आपका आ रहा है, साथ ही साथ आपका गुडविल, तीसरा चेंज इन पीएसआर और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो नोट डाउन कर लो साथ साथ में, ताकि आपको अगर वो नोटिफिकेशन पढ़ने में दिक्कत आ रही तो आप इतने से समझ सकते हो कि आपका कोर्स में क्या है। कोर्स में आपके ये चार चीजें हैं पहली बुक के अंदर से, फंडामेंटल पार्टनरशिप का, गुडविल, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। क्लियर है, यानी पार्टनर का एडमिशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ऑफ अ पार्टनर। क्लियर, यहां तक आप करोगे, ये आपका 18 नंबर का पेपर है, यानी इसका मतलब क्या है, एनपीओ आपका नहीं आ रहा है। एनपीओ अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब समझ सकते हो कि काफी सारे टीचर्स ने, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी एनपीओ ट्यूशन में करवा दिया है, जबकि एनपीओ इस बार नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस नहीं था उस वक्त तक, बट अब सिलेबस आ गया है जिसमें साफ साफ लिख दिया कि एनपीओ इस बार नहीं आने वाला, एनपीओ अगले टर्म में डाल दिया गया है। क्लियर, सिर्फ यहां से कितनी आ रही है, चार चीजें आ रही है जो कि आपकी 18 मार्क्स की होगी। क्लियर, जब दूसरी, जो दूसरी बुक है उसमें डिबेंचर्स नहीं आ रहा है, इस बार आपका सिर्फ अकाउंटिंग फॉर शेयर्स आ रहा है। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स आ रहा है कितने का, 12 मार्क्स का है, यानी आपको अच्छा खासा कंटेंट डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में आपको डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरी बुक तो पढ़नी पढ़नी जैसे पढ़ते थे, वो तो हमें पढ़ने पढ़ने सारे चैप्टर, साथ ही साथ हमें थोड़ा एमसीक्यू बेस्ड पे भी काम करना पड़ेगा। इसमें एक ड्रामेबाजी सीबीएसई ने आपके साथ क्या कर दी है वो समझ लेते हैं, कि जब आपने ये सारे चैप्टर्स पढ़े तो आपको पता है कि जो रिटायरमेंट, डेथ और जो डिसोल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें भी गुडविल से लेकर के पीएसआर एंड ऑल पंगा थोड़ा बहुत करता है। जैसे आप रिटायरमेंट का करते हो, ठीक है, डेथ उसमें तो पीएसआर निकालने का क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, उसमें तो गुडविल कैलकुलेशन आता है। तो इसका मतलब क्या, अगर आपका ये बेस पक्का नहीं हुआ ना तो आप वो नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी जरूरत टर्म वन में तो पड़ी हुई है, साथ में टर्म टू में भी इनकी जरूरत पड़ने वाली है, इनकी तो खासकर। क्लियर है, तो हमें ये आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे ताकि टर्म टू तक आपको ये याद रहे, बेस आपको मजबूत रहे, ताकि आप टर्म टू अच्छे से कर सको। तो सेकंड में तो बड़ा आसान सा एक ही चैप्टर आ रहा है शेयर्स, बट काफी लंबा चैप्टर है। उसके अलावा थर्ड में आपका क्या है, चैप्टर नंबर 1-2, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट से रिलेटेड चैप्टर है, और जो हेड और सब हेड वाले जो क्वेश्चन थे जो पहले भी आते थे, कई बार आपने देखे होंगे अगर लास्ट ईयर के पेपर आपने उठाए तो उसमें हेड और सब हेड पूछे जाते हैं, तो वही आपका पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से। साथ में अकाउंटिंग रेशियोज आपका एक चैप्टर है, वो आपका आ रहा है। तो बहुत आसान सा है, देखो कुछ ऐसा कुछ खास इतना स्पेशली नहीं बताया, इतना डीप मैं कुछ लेके नहीं जाने वाला ना, आपको नोटिफिकेशन आपके सामने दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इतना हम पढ़ते हैं, हमने क्या बोला, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी से इतना इतना आ रहा है, जिसमें से पहला पार्ट ए जो है वो 18 नंबर का है, पार्ट बी जो है आपका कितने का है, 12 नंबर का है, और पार्ट सी आपका 10 नंबर का है। ये आपका सिलेबस रहेगा, उसके अंदर क्या क्या काटा गया है, क्या नहीं काटा गया है, ठीक है, वो बात की बात है, बट आपका जो है चैप्टर इतना ही आ रहा है, इसका मतलब आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। क्लियर है ना, आपको इतना ही पढ़ना है नवंबर दिसंबर एग्जाम के लिए, तो अभी से तैयारी कर लो, क्योंकि टाइम तो देखो कम है आपके पास, आपके पास टाइम कम है। और कितने नंबर का है आपके, टोटल 40 नंबर का, जो कि 90 मिनट के अंदर आपको करना होगा। क्लियर है, ठीक है, तो प्लीज चैप्टर को थोड़ा डीप पढ़ना, ऐसा नहीं कि आपने हवाबाजी में पढ़ लिया, ऐसा नहीं, आपको पता है, देखो क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन देखो आ सकता है अकाउंट्स में, तो आराम से आ सकता है। जैसे मान के चलो आपका एक कोई क्वेश्चन पीएनएल अप्रोप्रिएशन के ऊपर क्वेश्चन दे दिया, अब उसके अंदर वो कंटेंट पूछ सकता है, उसमें चार पॉइंट डाल देगा तो चार नंबर क्वेश्चन तो हो ही गया ना, तो क्वेश्चन तो कैसे भी पूछा जा सकता है, बात समझ आ गया। जैसे मान लो एक क्वेश्चन उसने फ्रेम कर दिया बड़ा सा, और उसके अंदर चार आइटम अगर पूछ ली तो समझ लो ना, फिर तो पूरा पूरा क्वेश्चन हो गया, पास रिजल्ट का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना, किसी भी चीज का पूछ सकता है। तो प्लीज डीप नॉलेज ले लेना, ठीक है, अभी से स्टार्ट कर लो, एनपीओ को आप छोड़ दो और आगे बढ़ना शुरू करो। तो फिर आप देखते हैं इसके बाद इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करेंगे, बट पहले आप इतना नोट डाउन करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।